Uh, Madeline hunter's effective teaching model this is called effective teaching model because uh, uh, it uh, has uh, uh, provided the detail uh, for uh, uh, the classroom success and for the student's success to understand the concept to implement the concept and all these points that uh, according to this instructional plan uh, are very effective to implement in any class and uh, these concepts are not difficult to implement in any class uh, it can be implemented in any culture it can be implemented in any country it can be implemented in any subject this is very you know useful model so because uh, uh, what are the steps of this model that set objectives at first then uh, uh, provide a good model uh, uh, in in the form of a teacher and then uh, you should uh, give them the question answer session and then you should uh, आस्क यू आर स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस दोज कॉन्सेप्ट दैट यू हैव ऑलरेडी टॉट तो ये सारे स्टेप्स जो हैं ये हर एक लेक्चर के लिए ज़रूरी हैं हर एक क्लास के लिए ज़रूरी हैं इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि ये किसी खास मज़मून के लिए यूज़ किया जा सकता है तो उसमें उसने कहा कि कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है आपने इस मॉडल को यूज़ करते हुए प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू लर्न सबसे पहले मैंटली और आपने फिज़िकली बच्चों को रेडी करना है कि वो किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए तैयार हों जाते ही आपने बोर्ड पर टॉपिक नहीं लिखना शुरू करना बल्कि आप लेक्चर का आगाज़ करने से पहले किसी भी अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं प्रीवियस नॉलेज पूछ सकते हैं कोई स्टोरी उससे रिलेटेड सुना सकते हैं कोई मॉरल कॉड सुना सकते हैं या किसी नई बात के साथ लेक्चर का आगाज़ कर सकते हैं जिसको आप बाद में अपने लेक्चर के साथ रिलेट कर देंगे तो ये जो आगाज़ है लेक्चर का ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए जब आप प्रिपेयर कर लें स्टूडेंट्स को लर्न करने के लिए उसके बाद आप अपनी इन्फॉमेशन बिल्कुल क्लियरली आसान ज़ुबान में पेश करें मुश्किल मोटे मोटे लफ्ज और इंग्लिश के मुश्किल लफ्ज़ जिनको बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और उसके बाद उनकी कॉम्प्रीहशन कैसे आ सकती है अगर आप मुश्किल लफ्ज़ भी बोल रहे हैं तो उसके लिए पूरी आप एक वोकेबलरी से एक लिस्ट बना के लाइए मीनिंग्स की चाहे उसके फ़ोटो कापी करवाएँ और सारे स्टूडेंट्स को दे दें या फिर आप बोर्ड पर उसका मीनिंग लिखें ताकि स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग जो है उसकी क्लियर हो उसके बाद अंडरस्टैंडिंग के लिए गिव गाइडेड प्रैक्टिस यू आर गिविंग द मॉडल मॉडल टू योर स्टूडेंट्स तो वो आपकी गाइडेड प्रैक्टिस जो है वो सामने होगी तो स्टूडेंट्स जो है वो देखेंगे हमारे टीचर जो है उसने इंट्रोड्यूस कैसे करवाया लेक्चर उसके बाद उसने पूरी इंफॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट की और फिर क्वेश्चन आंसर्स कैसे किए ये सारी चीज़ों को वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो फिर उसके बाद आपने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस बच्चों को कहनी है कि अब आप में से कोई आए और बोर्ड पर लिख के दिखाए इस क्वेश्चन का कोई हल लिखें यहाँ पे सोल्यूशन लिखें या कल के लिए कोई काम दे दें इसी तरह से इंडिपेंडेंट स्टडी आपने कहना है कि ये मैंने आपको एक बुक से ये वाला टॉपिक पढ़ाया है ये अगला जो है एक और बुक है उसमें से भी आप पढ़ के आएँ और सेल्फ़ रिफ्लेक्शन बच्चों को आपके कि अपने आप को आप पढ़ने के बाद आप मुझे ज़रा बताइए कि आपने जो इस मटेरियल में उस मटेरियल में क्या सिमिलैरिटी देखी क्या आप दोनों में डिफरेंसेस देखें तो आप रिफ़्लेक्ट करें कि आपको सारी इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग जो है वो किस तरह से हुई